चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी एंड दिस इज द वीडियो यू ऑल वर वेटिंग फॉर कि कैसे आप 30 डेज में वन फाइनल शॉट के थ्रू अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल सिलेबस. आप 9th में हो, 10th में हो, 11th, 12th में हो और किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, आज मैं फाइनली आपको एक फुल प्लान देने वाली हूँ विद द नंबर ऑफ चैप्टर्स और इतने दिन में आप ये चैप्टर्स कर सकते हो. फुल प्लान विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन है जिसमें 10th, 11th, 12th सबके प्लान्स मैंने डिस्कस करे हैं और आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे ये प्लान हमारा एग्जीक्यूट भी होगा. देखो, टर्म वन का सिलेबस आपको भी पता है, टर्म वन का सिलेबस मुझे भी पता है. जो मैंने प्लान आज बनाया है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया कि अगर एक बच्चा जिसने पहली बार भी किसी एक चैप्टर को उठाया है तो उसे उस चैप्टर को करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा एंड कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हो. तो प्लान डिस्कस करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप 9th, 10th में हो तो 30 डेज का फुल प्लान मैंने आपको दिया है. एंड अगर आप PCM के हो, PCB के हो, कॉमर्स के हो, तो तुम्हारे लिए भी आई हैव ट्राइड टू मेक प्लान टूडे. आई हैव गिवन यू सम टिप्स बिकॉज बच्चे मुझे हमेशा कहते हैं दीदी आप हमें टिप्स नहीं देते हो. तो आई हैव मेड अ प्लान फॉर यू. अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, थोड़ा उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो. एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आपको तो ऑब्वियसली योर फुल प्लान इज देयर. तो अगर आप लेट बिगनर हो तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद इन 30 डेज बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपका सिलेबस कंप्लीशन की पूरी एक डिटेल आपको मिलने वाली है. एंड अगर आप रिविजन करने का सोच रहे हो कि यार आज से मैं रिविजन करता हूँ, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो बिकॉज 30 डेज में फुल रिविजन आपका हो जाएगा अगर आप विद इन सेट डेज में रिविजन करना स्टार्ट कर दोगे. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सब बच्चे रेडी हैं? आई नो मेरी पूरी फैमिली, ऑल माई फैमिली, जितने भी बच्चे, कोई नया भी बच्चा देख रहा है, वेलकम टू माई फैमिली. दीज 30 डेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड वी विल कंप्लीट आर सिलेबस, डू आर रिविजन एंड वी विल बैंग बैंग 40-40 इन आर टर्म वन एग्जाम. ठीक है, तो 30 दिन के लिए आपको कितने देर पढ़ना है दीदी? कितनी देर पढ़ें जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए? क्योंकि दीदी सुबह स्कूल होता है, शाम को ट्यूशन भी होती है, थोड़ी देर एक घंटा सोता भी हूँ मैं, एक घंटा मुझे कुछ फ्री टाइम भी चाहिए, उसके साथ में कैसे मैं अपनी पढ़ाई करूँगा या करूँगी? तो 6 घंटे तुम्हें दिन की अपनी पढ़ाई को देने हैं. 6 घंटे तुम मेरा कोई भी टाइम टेबल देख लो, किसी में तुम्हें 6-8 की सेल्फ स्टडी ज़रूर मिल जाएगी. ठीक है, आई विल पेस्ट द टाइम टेबल वीडियो, यू नो. तो 6 आवर सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल एंड इफ यू विल डिमांड ओनली फॉर माय लेट बिगनर्स इवन आई विल मेक अ न्यू वन. ठीक है, तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी आपको दिमाग में रखना है कि मुझे रोज 6 घंटे सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है. जिस दिन स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन ज़्यादा कर लूँगा. ठीक है, उस दिन 8 आवर्स पढ़ लूँगा मैं. तो 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी मिनिमम आपको अपने दिमाग में रखनी है. ठीक है, कौन से सब्जेक्ट करोगे? एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट करना. ठीक है, लिखा है मैंने सब्जेक्ट्स कितने एक दिन में? 2 ही सब्जेक्ट्स करने हैं. ठीक है, एंड अगर आप 9th, 10th में हो तो उन दो सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स, क्योंकि मैथ्स रोज करनी है. अगर आप PCM वाले बच्चे हैं और कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को भी मैथ्स आई थिंक सो रोज करनी होती होगी. तो जो 2 सब्जेक्ट्स होंगे उनमें से एक अपना न्यूमेरिकल वाला रोज का रखना ही रखना है. ठीक है, एंड 1 घंटा हम रखेंगे रिवीजन का. ये किसके लिए? ये मेरे लेट बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. अब मेरे लेट बिगनर जो आखिरी के 30 दिनों में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको रिवीजन का इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो भी आपको डरना नहीं है बिकॉज मैं आपको रोज के शेड्यूल में ही आपको 1 घंटा रिवीजन का दिखा रही हूँ. आप कैसे निकालोगे टाइम स्लॉट देख लो, कितना आप अपने सब्जेक्ट्स को देने वाले हो. 2 आवर्स विल बी गिवन टू योर सब्जेक्ट वन जो मैथ्स होगा. ठीक है, आप 12th के हो, आप 9th, 10th के हो, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स वाले बच्चे भी 2 घंटे रोज आप अपने मैथ्स के निकाल लो. अगर आपके पास मैथ्स है तो हो सकता है इसमें 1 घंटा आप ट्यूशन भी चले जाते हो, उसमें आप कॉन्सेप्ट समझ के आ रहे हो, 1 घंटा आप घर पे आके मैथ्स कर रहे हो. ठीक है, 2 घंटे आपके रोज के मैथ्स के हो गए जो आपस हो गई 2 आवर्स अभी. नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कितनी देर करोगे? 3 आवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना समय आप देना अपने इस सेकेंड सब्जेक्ट को. एंड जब आप रेगुलर बेसिस पे, तुम्हें पता है ना यार ये 3 घंटे मुझे सेकेंड सब्जेक्ट करना है, दिन का कोई भी टाइम से बताऊँ, शाम के 6 से रात के 9 बजे तक का. ठीक है, 6 से 9 बजे कर लेना डिनर, 6 से 9 के बीच में हिलना मत अपनी सीट से, 5 मिनट का बीच में ब्रेक लेना, 6 से 9 लगातार बैठ के अपने उस सेकेंड सब्जेक्ट को पढ़ना है. 9th में हो, इंग्लिश करना, SST करना, ज्योग्राफी करना, हिस्ट्री करना, पॉलिटिकल, कोई भी हो, कोई भी आपका सेकेंड सब्जेक्ट है, 1 घंटा मैथ्स का निकाल लेना है और बाकी के 3 घंटे 6 से 9 हो गए, रात को 10 से 1 पढ़ रहे हो आप, या आप अर्ली राइजर हो तो आप सुबह 4 बजे से उठ के 7 बजे तक पढ़े हो, कोई भी 3 घंटे इकट्ठे निकाल के आप उस सब्जेक्ट को, सेकंड सब्जेक्ट को अपने दोगे. ठीक है, एंड 1 आवर फॉर द रिवीजन दैट यू हैव टू गेट. तो ऐसा अपना एक टाइम टेबल खुद से बनाओ जिसमें 2 घंटे आपके मैथ्स के हो जाए, 1 घंटा ट्यूशन में दे देना, 3 घंटे आपके मेन सब्जेक्ट के, एंड 1 आवर फॉर योर रिवीजन. ठीक है, एंड अगर आपसे नहीं बनेगा तो आई विल गिव यू अ टाइम टेबल फॉर द लेट बिगनर्स. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट प्लान 30 डेज का मेरे हर एक स्टूडेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर द लेट बिगनर्स, इवन द वन दोज हु वांट टू डू रिवीजन. ठीक है, डिस्कस आवर 30 डेज प्लान जो बहुत
अच्छा फील होगा आपको इसको फॉलो करते हुए भी, ठीक है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के मैंने पेयर बनाए हैं कि आपको थोड़ा एक दिन अगर आप हाई पढ़ाई करोगे तो दूसरे दिन आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। डिस्कस द प्लान डे वन डे टू, कौन सा पेयर आप चलाने वाले हो? साइंस लोगे आप और साइंस का क्या? बायोलॉजी, यू विल डू बायोलॉजी फॉर टू डेज। क्लास टेन स्टूडेंट्स, आपका तो एक ही चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, आपको वो करना है बायो का, रीड करना चैप्टर को, एमसीक्यू करना, यू नो द फॉर्मेट, और बहुत अच्छे तरीके से आपको लाइफ प्रोसेसेस ऐसे कंप्लीट कर देना है कि वो टर्म वन बोर्ड एग्जाम तक के लिए कंप्लीट हो जाए। रीजनलाइजेशन डायग्राम सब कुछ करने हैं, साथ में वन आवर यू विल बी गिविंग टू मैथ्स, ठीक है। कर लो, लेट बिगनर हो तब भी कि दो दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए मेरा बिल्कुल ही। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टू डेज यू विल टेक SST और आप लोगे हिस्ट्री का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हो ये एक दिन में भी सकता है अगर आप रिविजन कर रहे हो, बट फॉर द लेट बिगनर्स के लिए मैंने दो दिन डाले हैं इसके अंदर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SST की प्लेलिस्ट दी है, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को समझाया है। डेढ़ वन आवर समथिंग मिनट्स की वीडियो है ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, यहीं डिजिटल बोर्ड में मैंने पढ़ाई है। और इस चैप्टर के मैंने जो MCQ मैराथन है वो भी अपलोड कर दिया, उसमें 70 क्वेश्चन मैंने कराए थे। तुम वीडियो देखोगे 70 क्वेश्चन वो करोगे, हो जाएगा लेट बिगनर्स आपका फुल चैप्टर कंप्लीट। अभी क्विज होने वाला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, तो क्विज के थ्रू आपका जो फुल जो रीजनलाइजेशन केस बेस जो हाई एंड क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे चार दिन डिस्कस हो गए हैं, दो दिन आप बायो का कंप्लीट कर लोगे एंड नेक्स्ट टू डेज में आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो विद इन चार फोर डेज आपके बायो कंप्लीट हो गई और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, साथ में मैथ्स आप रेगुलरली कर रहे हो दो घंटे, ठीक है। नेक्स्ट आप आओगे अपनी साइंस पे एंड यू विल टेक फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स को आई हैव गिवन फोर डेज, ठीक है। आपके जितने चैप्टर्स हैं यू हैव टू डू मेनी MCQs फॉर फिजिक्स, ओके आई नो अलग अलग टाइप के MCQs आपको करने होंगे, तो फिजिक्स को फोर डेज, अगर आपका चार दिन से जल्दी में खत्म हो जाए तो दैट्स वेरी ग्रेट, बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना अपने फिजिक्स को और साथ में आप मैथ्स करोगे। आप सपोज करो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स अगर जल्दी हो जाएगा तो आपके पास दिन में जितनी देर बचेगी तो ज़्यादा टाइम आप अपने मैथ्स को दे देना। तो नेक्स्ट फोर डेज विल बी गिवन टू योर फिजिक्स, जितने आपके चैप्टर हैं ऐसे साइड में लिख लो कि चार दिन में इतने चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट थ्री डेज में आप क्या करोगे? आप SST लोगे एंड यू विल डू द पॉलिटिकल साइंस। दो ही चैप्टर है, पावर शेयरिंग फेडरलिज्म एंड नाइन स्टूडेंट्स आपका वो जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं, सब मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, जाके वीडियोस देखना। MCQ मैराथन कंप्लीट हो चुकी है, तब तक क्विज भी हो चुका होगा, तो फुल लॉक हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस की। तीन दिन मैंने इसलिए दिए हैं कि अगर कोई लेट बिगनर है तो बहुत फोकस होकर करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना। पावर शेयरिंग एक दिन में पढ़ना, एक दिन में फेडरलिज्म पढ़ना, तीसरे दिन पर उसके रिविजन कर लेना, ठीक है। और आपका जल्दी हो जाता है तो जितना टाइम आपके पास बचेगा उतना टाइम आप अपने मैथ्स को देने वाले हो। या फिजिक्स के साथ में हिंदी गलती से लिख दिया, डू मैथ्स सुन ली, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आप जब आपकी पॉलिटिकल हो जाएगी, नेक्स्ट थ्री डेज जो आपके होंगे यू विल टेक इकोनॉमिक्स, ठीक है। इको के भी दो ही चैप्टर, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फुल्ली प्रिपेयर करना है उसको। जो बच्चा रिवीजन कर रहा था वो भी सबसे अच्छे तरीके से करेगा, और रिवीजन वाले बच्चे ज़्यादा फोकस फिर मैथ्स पे करना, रिवाइज करना और ज़्यादा से ज़्यादा देर अपनी मैथ्स करना। तीन दिन में कंप्लीट, यू नो MCQ मैराथन वीडियोस, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड ऑन माय चैनल। नेक्स्ट अब आप लोगे साइंस की केमिस्ट्री, ठीक है। आई नो केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के सो मेनी MCQ क्वेश्चन यू हैव टू परफॉर्म। तो चार दिन दिए मैंने पूरा लग के केमिस्ट्री करना अपनी इन चार दिनों के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने साथ में हिंदी लिखा है कि जब आप केमिस्ट्री कर रहे होगे, बहुत सारे MCQ क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के करोगे, तो मैथ्स अगर आप साथ में करोगे तो आई थिंक सो थोड़ा हॉच पॉच होगा आपके माइंड के अंदर। तो जिन दिनों आप ये केमिस्ट्री कर रहे होगे तो उस दिनों इफ़ यू वांट यू कैन टेक हिंदी और योर लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक घंटा रोज अपने हिंदी को या जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको देना शुरू कर देना फॉर द नेक्स्ट फोर डेज। आफ्टर दैट लास्ट, अभी देख रहे हो आप ये हमारे कितने दिन हो गए हैं, 2, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 18 दिन आपके निकल चुके होंगे। ये मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखी है क्योंकि पता नहीं कोई बच्चा आज से करेगा, कोई बच्चा कल से करेगा, ठीक है। 18 डेज हो चुके हैं और 18 डेज के अंदर गाइस आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, इको भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो, पॉलिटिकल भी, फिजिक्स भी, हिस्ट्री भी एंड बायोलॉजी भी। अगर आप एक प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान के थ्रू चलोगे, 6 घंटे पढ़ रहे होगे, मन लगा के पढ़ रहे होगे, तो होगा आपका सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो हम 18 डे पे थे, अब देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है। अभी हमारी ज्योग्राफी बची है तो अब हम लेंगे ज्योग्राफी, 3 दिन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी आपके। रिसोर्सेज डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, उसके MCQ क्वेश्चन एंड मैं वाटर रिसोर्सेज के मैप बेस्ड भी डाल दूंगी तब तक, ठीक है। तो यू विल गिव 3 डेज टू योर SST, कितना हो गया, 18, 19, 20, 21, ठीक है। अब आखिरी के बचे 5 दिन, 5 दिन में फोर टेंथ क्लास की इंग्लिश की तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश लास्ट में रखा है। इंग्लिश की तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश पूरा मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है,
पूरी एमसीक्यू मैराथन मैंने कंप्लीट करा रखी है, तब तक जब आप अपनी इंग्लिश पे आओगे मैं एमसीक्यू मैराथन 2 भी डाल चुकी होंगी, जिसमें तुम्हारे रीजन रिजर्वेशन केस बेस्ड एंटोनियम सिनोनियम वाले क्वेश्चन होंगे और राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका होगा, समझ गए? तो 5 दिन के अंदर फुल इंग्लिश तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी विद राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन ऑल्सो। कोई टेंशन मत लेना, लास्ट 5 डेज फॉर द इंग्लिश वन एंड उसके बाद जो लास्ट के 4 डेज होंगे आपके वो आप दे दोगे अपनी हिंदी को या आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट को। और मैथ्स आपने एक भी दिन करनी नहीं छोड़ी है, रोज़ 2 घंटे या उससे ज़्यादा जब आपको मिल रहा था जैसे सैटरडे नाइट्स को यू वर डूइंग योर मैथ्स रेगुलरली। तो ये 30 दिन हुए और 30 दिन में पूरा सिलेबस खल्लास, ठीक है? तो यहाँ हमने देखा था 18 डेज हुए थे, 30 डेज के अंदर फुल सिलेबस कंप्लीट, फुल सिलेबस कंप्लीट। यही प्लान 9th-10th का हर बच्चा फॉलो करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय 9th-10th स्टूडेंट्स, इस प्लान को फॉलो करना शुरू कर दो। 6-hour टाइम टेबल अगर आपको चाहिए लेट बिगनर स्पेशल तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो 9th-10th स्टूडेंट्स दिस इज योर प्लान फॉर 30 डेज, एक बार फिर से इसको देख लो। ओके, यहाँ देख लो इसको, पूरा अपना प्लान बना लो। मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अब आप जा सकते हो, पूरा अपना प्लान बनाओ, पढ़ना शुरू कर दो। मैं रात को मिलूंगी सिमरन टॉक में, डिस्कस करेंगे बाकी बातें, ठीक है? तो बाय बाय ऑल द 9th-10th स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक लेट बिगनर्स रिविजन डूअर्स एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट स्टडिंग। अब आ जाओ 11th-12th के बच्चे, स्टार्ट करते हैं PCM PCB से। सो हमेशा साइंस स्टूडेंट मुझसे कहते दीदी आप हमें थोड़ा सा प्लान बताओ, तो आई हैव ट्राइड टू क्रिएट अ प्लान फॉर यू गाइस। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको फॉलो करके देखना, ठीक है? आई हैव गिवन यू अ प्लान फॉर 15 डेज, नॉट फॉर 1 month, बिकॉज 15 डेज तक अगर आप इसको करके देखोगे, अगर आप अच्छा लगेगा तो आप इसको आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, आपका यू विल टेक पेयर ऑफ 2 subjects, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया 3 घंटे आप एक सब्जेक्ट करोगे, 1 से 1.5 घंटे आप दूसरा सब्जेक्ट करोगे एंड 1 hour फॉर योर रिविजन। तो यहाँ बनाया है ऑफ योर फिजिक्स एंड इंग्लिश स्टार्टिंग के 5 डेज, आप आज से कर रहे हो कल से कर रहे हो, टेक इन योर माइंड दैट आप 5 दिन तक सिर्फ फिजिक्स करोगे और जो आपके पास 1-1.5 घंटा होगा उसमें आप इंग्लिश करोगे। इंग्लिश के लिए आपके पास मेरा चैनल है, वीडियोज़ है, एमसीक्यू मैराथन है, क्विजेज है, एवरीथिंग यू आर हैविंग। और फिजिक्स आप जैसे भी पढ़ते हो यू गाइज नो दैट, ठीक है? 5 दिन तक रेगुलरली आपको फिजिक्स करनी है, जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप चैप्टर्स कर सकते हो डू फिजिक्स। नेक्स्ट 5 डेज आएंगे हमारे, अब इसमें जिनके पास बच्चों के पास मैथ्स है वो मैथ्स ले, जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है वो बायोलॉजी ले। एक सेट प्लान के थ्रू आप चलोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, वरना आप एक दिन फिजिक्स कर रहे हो अगले दिन सोच रहे हो मैथ्स उठा रहे हो, एक ही दिन में 3-3 subjects लेकर बैठ रहे हो, तो हर एक का चैप्टर आधा आधा होगा। और यहीं आप 5 दिन तक एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसके चैप्टर्स करने में बैठोगे तो वो कंप्लीट होंगे, ठीक है? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 5 डेज के लिए टेक मैथ्स या बायो है तो बायो लेना, एंड ज़्यादा टाइम इसी को देना है और जो बचा हुआ टाइम होगा यू कैन गिव इट टू इंग्लिश। वैसे इस समय तक आपकी इंग्लिश कंप्लीट भी हो चुकी होगी, बिकॉज जैसे मैंने पढ़ाया आप टर्म 1 की इंग्लिश 6-7 days में कंप्लीट कर सकते हो। देन नेक्स्ट 5 डेज यू विल गिव टू योर केमिस्ट्री, ठीक है? आप इसको चेंज भी कर सकते हो, तुम्हें पहले केमिस्ट्री पढ़ना पहले 5 दिन केमिस्ट्री पढ़ लेना, फ्लेक्सिबल कर सकते हो। लास्ट 5 डेज यू विल टेक केमिस्ट्री, 5 दिन आप केमिस्ट्री करना, साथ में आप अपना ऑप्शनल ले सकते हो, बिकॉज आई नो सम स्टूडेंट्स आर हैविंग ऑप्शनल्स जिनमें पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन वगैरह है, म्यूजिक है आपका, तो उसके लिए मैं एमसीक्यूज डाल दूंगी, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो लास्ट 5 डेज विल बी योर केमिस्ट्री, एंड यहाँ पे आपके 15 दिन हो चुके होंगे। आप 15 दिन में तुम्हें समझ में आ ही जाएगा जब आप पढ़ोगे कि ये प्लान आपको इफेक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको आगे का प्लान भी दे दूंगी एंड खुद से भी आप आगे का क्रिएट कर सकते हो। तो दीज 15 डेज ट्राई टू डू दिस, 5-5 डेज का पेयर बनाओगे एंड रोज़ एक दिन में सारे ही सब्जेक्ट्स लेकर नहीं बैठोगे, इस तरीके से काम को करोगे तो प्रोडक्टिविटी भी आएगी और लेट बिगनर हो तो सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाएगा। ओके, तो आई होप दिस प्लान विल हेल्प यू ऑल द साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉमर्स वंस, ठीक है? नाउ दिस इज द प्लान फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई हैव ट्राइड टू क्रिएट अ प्लान फॉर यू, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो यू कैन फॉलो दिस प्लान। जैसे कि आप 5-5 डेज जो है एक एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम टाइम देने वाली हो एंड सेकेंड सब्जेक्ट को एज आई हैव टोल्ड यू 2 hours रेगुलरली दे सकते हो और जो मेन सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देना है। तो ये आपका प्लान है, यू कैन सी दिस प्लान। एंड लास्ट 5 डेज आई हैव गिवन फॉर इंग्लिश, पहले बाद में लास्ट में इंग्लिश करना, बिकॉज इंग्लिश आप बहुत आराम से 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। यू नो पूरी प्लेलिस्ट गिवन है आपको लास्ट में इंग्लिश की एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी है मेरे चैनल पे, फुल इंडियन इकोनॉमिक्स टर्म 1 की आपको मिल जाएगी, मैक्रो भी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिए मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। और मैं इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट करवा दूंगी। ओके, तो दिस इज द प्लान फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एंड अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले हो तो ये जो नेक्स्ट कॉलम है जहाँ पे मैंने मैथ्स लिखा है आप कोई भी अपना सब्जेक्ट कर सकते हो या उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू माय ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स नाउ, तो सारे के सारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जल्दी से आ जाओ और सबसे जो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, हम सबके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी पे पॉलिटिकल इको हिस्ट्री होगा तो किसी पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ज्योग्राफी होगा, तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आप कैसे करने वाले हो। आई थिंक सो पॉलिटिकल तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पे होता है, तो फर्स्ट 5 डेज हम देने वाले पॉलिटिकल को, पूरे 5 दिन में पूरी पॉलिटिकल आप कंप्लीट कर दोगे, कोई
सब्जेक्ट मत लेना साथ में, मेंटली स्टूडेंट्स आपके लिए डिफरेंट है, तुम एक ही सब्जेक्ट लोगे, तुम सेकंड सब्जेक्ट लोगे ही नहीं, ठीक है। यू विल जस्ट टेक पॉलिटिकल साइंस फॉर 5 days, यू विल स्टडी पॉलिटिकल साइंस फॉर 5 days एंड फुल सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, आई एम टेलिंग यू। करना क्या है, टर्म वन का पूरा सिलेबस लिख लो, कितने चैप्टर है, कोल्ड वॉर, इंडो बायपोलैरिटी, यूनाइटेड नेशन, सेकेंड वाली बुक के 3 चैप्टर, 6 के 6 चैप्टर 5 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो देखना, एमसीक्यू मैराथन करना, 5 डेज बाद में क्विज ले लूँगी बुक 1 एंड बुक 2 का। स्टार्ट विद द पॉलिटिकल साइंस, फुल 5 डेज आपको पॉलिटिकल को देने, आप 6 घंटे पढ़ते हो, स्कूल से छुट्टी मार के पढ़ सकते हो, ट्यूशन तो तुम्हारी कोई है ही नहीं, तो तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है, बिकॉज आई एम हेयर विद यू एंड आई हैव टू एंड मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ट्यूशन तो तुमने लगानी ही नहीं है कोई, सब कुछ है तुम्हारे पास अवेलेबल यूट्यूब पे, सिमरन सहनी यूट्यूब चैनल पे, तो जाके आपको सब कुछ पॉलिटिकल साइंस 5 डेज में फुल कंप्लीट कर देंगे। 5 दिन बाद में मॉक टेस्ट ले लूँगी, मॉक बोर्ड ले लूँगी तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो जितने ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स रेडी हैं, कोल्ड वॉर से शुरू करो, चैलेंजेस से शुरू करो, जो चैप्टर आपको स्टार्ट करना है सर्च करना, बाय सिमरन सहनी लिखना, चैप्टर भी मिल जाएगा, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। 150 एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को, बाकी सब में मैंने 50-70 कराए, बट यू गाइस नो आप लोगों के लिए मैंने 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लॉन्च करी है, बिकॉज टाइम मैप बेस्ड जो रीजन है, जैसे नो ट्रू फॉल्स और मैचिंग हो, हर क्वेश्चन में आपको करा रही हूँ उसके अंदर। तो स्टार्टिंग की 5 डेज यू विल गिव टू योर बुक 1 एंड बुक 2 की पॉलिटिकल साइंस। अब नेक्स्ट 5 डेज आप लोगे, 6 में हो रहा होगा तो 6 में कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 5 डेज आप किसके लोगे, अपने सेकेंड सब्जेक्ट के, जो भी आपका है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, इको है तो इको, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी। नेक्स्ट 5 डेज डिसाइड करने हैं, पूरे 5 के 5 दिन उस सब्जेक्ट को देने हैं आपको, ठीक है। 5 दिन में हिस्ट्री नहीं भी कंप्लीट हुई तो वो भी कोई बात नहीं, आगे कवर कर लेंगे, बट 5 डेज रेगुलर देने हैं अपने सेकेंड सब्जेक्ट को। देन नेक्स्ट, अब थर्ड जो आप लोगे दैट विल बी योर इंग्लिश। 2 सब्जेक्ट जब निपटा लोगे ना 5-5 दिन में, थर्ड वन यू विल टेक इंग्लिश। 5 डेज में इंग्लिश कंप्लीट कर दोगे, तुम्हारे सर से टेंशन खत्म हो जाएगी, इंग्लिश मेरी कंप्लीट हो चुकी, हो सकता है तुम्हारी 5 डेज में पॉलिटिकल भी कंप्लीट हो चुकी हो। 5 डेज में आप पॉलिटिकल कर रहे हो, नेक्स्ट 5 डेज में आप सब्जेक्ट 2 लोगे, जो भी होगा आपका, हिस्ट्री है, इको है, ज्योग्राफी, जो आपको लेना हो अपने पसंद से। बट जब आपके थर्ड 5 डेज आएंगे, मतलब कि तीसरा आपका पैक आएगा 5 डेज का, उसमें आप लोग हर बच्चा इंग्लिश करने वाला है, तब तक राइटिंग सेक्शन भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ इंग्लिश का सारा जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फुल इंग्लिश आप 5 दिन में अपनी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। एंड लास्ट के 5 डेज होगी, उसमें आप अपना सब्जेक्ट नंबर 4 लेने वाले हो। कौन सा सब्जेक्ट नंबर 4? तो विद इन 20 डेज जो है यू विल गो थ्रू दिस प्लान, एंड लास्ट के 10 डेज में आई कम अगेन एंड आई मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, जिसमें हम अपना लास्ट के 10 डेज में फुल रिविजन करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पेस्ट कर दी है। सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट यू जो यहाँ पे एंड के डेज में सोशियोलॉजी रखना, अगर आपके पास सोशियोलॉजी है तो, और साइकोलॉजी, बिकॉज मैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करा दूंगी जैसे ही पॉलिटिकल की एमसीक्यू मैराथन कंप्लीट होगी। तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की एमसीक्यू मैराथन का, तो बस पॉलिटिकल की कंप्लीट होने तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की चला दूंगी, एंड जैसे ही हिस्ट्री की एमसीक्यू मैराथन कंप्लीट होगी वैसे ही हम ज्योग्राफी की स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो उसको अपने सब्जेक्ट 4 पे, यानी कि आखिरी के जो 20 दिन में से आखिरी के 5 दिन है उसमें रखना, स्टार्टिंग में पॉलिटिकल एंड ये करना अपनी इको और ये सब, ठीक है। तो विद दिस गाइस आई होप दिस प्लान विल डेफिनेटली हेल्प यू। 30 डेज यूटिलाइज करने हैं, 6 आवर्स ऑफ मैक्सिमम स्टडी तो करनी ही करनी है आपको, उससे कम नहीं करने देना आपको। एंड विद दिस गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। आपको कभी भी कोई क्वेरी आएगी यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। प्लान फॉलो करोगे, थोड़े दिन करोगे, बहुत अच्छे से चलेगा। 20 में 1-2 दिन जब डाउन होगे मुझे कमेंट करना, मैं सिमरन टॉक करूंगी, आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 30 डेज अगेन एंड यू विल बी इन योर फॉर्म अगेन। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माई लेट बिगनर्स, ऑल द रिविजन डूअर्स, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।